नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर अमेठी से है। गरीबों का हक छीन रहे कोटेदार। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला विकास खंड शुक्ल बाजार की ग्राम पंचायत उरेर मऊ का है, जहां के कोटेदार द्वारा दबंगई दिखाकर गरीबों का राशन हजम किया जा रहा है। कोटेदार गरीबों को राशन वितरण नहीं कर रहे और घटतौली भी कर रहे हैं। जब कोई विरोध करता है तो गाली गलौज करते हुए मारपीट भी करते हैं। ऐसा ही वाक्या इंद्र बहादुर पुत्र सरजू प्रसाद निषाद निवासी मिरमऊ के साथ हुआ। इंद्र बहादुर जब राशन लेने पहुंचा तो उसे राशन कम दे रहे थे, तो वह कोटेदार से बोला, कम क्यों दे रहे हैं? कोटेदार द्वारा जवाब दिया गया, इतना ही राशन मिलेगा आपको। फिर उससे बहस होने लगी। अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कोटेदार द्वारा उसकी पिटाई भी की गई। शिकायत पर अधिकारी मौन होकर बैठे हुए हैं। कोटेदार के प्रति कुछ कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए मध्याचल ब्यूरो आरपी शुक्ला के साथ अमेठी बिंदेश कुमार की रिपोर्ट। हमको राशन लेने गए, नागेंद्र कुमार ने हमारा पैसा ले लिया और बालचंद ने हमारा जो है राशन ले लिया। ये बालचंद है कौन? अरविंद कुमार के पिताजी। कोटेदार है। क्यों मारे आपको? राशन के लिए। हम बोले कि हमारा राशन कम है, इसलिए हम मारे। अच्छा, आपने कहा था आपको मारे हैं। 15 किलो की जगह 9 किलो दे रहे थे राशन आपको। आपने कहा तो उसके लिए मारा। तो किसी से आपने शिकायत किया? हाँ, थाने में शिकायत किया। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। अच्छा, मुसाफिर खाना में के मतलब आपकी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है? अच्छा, पैसा पा जाते हैं। अच्छा, पुलिस थाने में पुलिस वाले पैसा पा जाते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है?